हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको डीफॉर्म सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स जिसका चैप्टर नंबर 18 के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अगर आपने प्रीवियस वाले चैप्टर नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से प्रीवियस वाले चैप्टर्स को पढ़ लीजिए। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर देना और अपने कॉलेज ग्रुप में भी वीडियो को शेयर कर देना। तो दोस्तों, इस चैप्टर में बात करेंगे कि बायोइथिक्स, यानी जो आपका चैप्टर है बायोइथिक्स वाला चैप्टर है, इसको पूरा एक ही वीडियो में कंप्लीट कर देंगे और इजी चैप्टर है और दोस्तों आपको समझ में भी आ जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले बात करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बायोइथिक्स, यानी जो बायोइथिक्स होता है वह क्या होता है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, इसमें हमने लिखा है, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा है कि किसी भी तरीके से कोई रिसर्च, कोई मेडिसिन, कोई ट्रीटमेंट या कोई हेल्थ केयर सिस्टम, अगर वो हमारी लाइफ से रिलेटेड है, यानी कोई भी रिसर्च हो रही, कोई भी मेडिसिन है, कोई भी ट्रीटमेंट हो रहा, कोई भी हेल्थ केयर सिस्टम है, अगर वह हमारी लाइफ से रिलेटेड है, तो क्या इसमें जो है, जो आपका जो भी आपका यानी रिसर्च हो गया, मेडिसिन हो गया, ट्रीटमेंट हो गया, भाई हमारी लाइफ से अगर रिलेटेड होगा तो क्या उसमें इथिक्स अप्लाई होंगे और क्या रूल एंड रेगुलेशन अप्लाई होंगे, और वह सब चीज़ें जो लाइफ से रिलेटेड हैं उन सब चीज़ों की स्टडी करना, उसी को बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इथिक्स कहा जाता है। दोस्तों, जो भी रिसर्च हो गई, जो भी मेडिसिन हो गई, जो भी ट्रीटमेंट हो गया, अगर वह हमारी लाइफ से रिलेटेड होगा तो उसमें किस प्रकार से इथिक्स को अप्लाई किया जाएगा, किस प्रकार से रूल को अप्लाई किया जाएगा, क्या रेगुलेशन अप्लाई किए जाएंगे, इसी की स्टडी करना आपका बायो इथिक्स कहलाता है। यानी हमारी लाइफ के बहुत से ऐसे पार्ट्स होते हैं, यानी हमारी बॉडी के ऐसे कोई पार्ट्स होते हैं जिनका जो है उल्लंघन किया जाएगा, तो दोस्तों वह बायो इथिक्स के अपोजिट होगा। तो दोस्तों, बायो इथिक्स में यही बताया जाता है कि जो मेल एंड फीमेल हैं उनकी बॉडी पार्ट्स जो हैं, उनका जो भी अगर ट्रीटमेंट किया जा रहा है तो उनका किसी भी बॉडी पार्ट का उल्लंघन नहीं करना है, तो दोस्तों इसमें यही बताया जाता है। तो ये आपका होता है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बायोइथिक्स। इसकी हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री ऑफ बायोइथिक्स, तो पहले भी ह्यूमन के जो बॉडी पार्ट्स हैं, जो प्राइवेट पार्ट हैं दोस्तों, उनको रिस्पेक्ट दिया जाता था, बट पहले इसमें कुछ रिटेन गाइडलाइन नहीं थे। यानी जो ह्यूमन के प्राइवेट पार्ट्स होते हैं दोस्तों, मेल एंड फीमेल के जो प्राइवेट पार्ट होते हैं, पहले हिस्ट्री में यानी प्रीवियस में इसको रिस्पेक्ट दिया जाता था, लेकिन इसके कुछ रिटन गाइडलाइन नहीं थे। 19th सेंचुरी यानी 19वीं शताब्दी के बाद में मॉडर्न बायोइथिक्स की स्टार्टिंग हो गई, यानी 19वीं शताब्दी के बाद मॉडर्न बायोइथिक्स की स्टार्टिंग हो गई। बायोइथिक्स के डेवलपमेंट के लिए जो आपके न्यूमरबर्ग जो थे, फिर दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है, बायोइथिक्स के डेवलपमेंट के लिए न्यूरेमबर्ग ट्रायल इवेंट को रखा गया। यानी जो भी आपका बायोइथिक्स का डेवलपमेंट किस प्रकार से किया जाएगा, उसके लिए दोस्तों एक जो है प्रोग्राम रखा गया, इवेंट को रखा गया, जिसको न्यूरेमबर्ग ट्रायल कहा गया, जिसमें बायोइथिक्स के डेवलपमेंट के बारे में प्रस्ताव को रखा गया। यानी पहले इतना विकसित नहीं था, इतने रिटर्न जो है इसके गाइडलाइन नहीं थे, तो इसके लिए प्रोग्राम किए गए। और प्रोग्राम करने के बाद पॉइंट नंबर थर्ड है, 1960 में एक कॉन्सेप्ट आया जिसको ब्रेन डेथ कहा गया, जिसमें रूल बताए गए कि किसी पर्सन की अगर डेथ हो जाती है तो उसकी बॉडी के कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जिनको काम में लिया जा सकता है, उसको डोनेट किया जा सकता है। साथ में इथिक्स और बायो इथिक्स को भी सामने रखा गया। दोस्तों, किसी भी पर्सन की अगर बाई एक्सीडेंट से अगर किसी की मौत हो जाती है तो देखा होगा आपने, वो उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, फिर उसके बॉडी पार्ट जो भी जो यानी जो डोनेट किए जा सकते हैं, जो ख़राब नहीं है, जिनका यूज़ किया जा सकता है, तो दोस्तों उनको ले लिया जाता है। तो दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को रखा गया, और साथ में जो है इथिक्स और बायो इथिक्स को भी यानी उसके सामने रखा गया कि किस प्रकार से इथिक्स को फॉलो किया जाएगा, अगर किसी के बॉडी पार्ट्स को लिया जा रहा है तो दोस्तों उसमें इथिक्स किस प्रकार अप्लाई होगी, बायो इथिक्स किस प्रकार अप्लाई होगी। तो दोस्तों ये आपकी सब हिस्ट्री है, इसमें बताया जाता है।
फिर 1970 में कुछ पॉइंट को भी बायोइथिक्स में जोड़ा गया है, जैसे रिप्रोडक्टिव राइट्स, यानी रिप्रोडक्टिव के कुछ राइट्स होते हैं, जेनेटिक टेस्टिंग, एंड ऑफ लाइफ केयर, इन पॉइंट्स को जोड़ा गया बायोइथिक्स के अंदर। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा, एक बार दोबारा से साथ में समझते चलिए। यानी किसी भी तरीके से कोई रिसर्च हो रही, कोई मेडिसिन बन रही, कोई ट्रीटमेंट हो रहा है, या कोई हेल्थ केयर सिस्टम है, अगर वो हमारी लाइफ से रिलेटेड है, तो उसमें किस प्रकार से इथिक्स को अप्लाई किया जाएगा, किस प्रकार से रूल को अप्लाई किया जाएगा कि उसके जो बॉडी पार्ट है, ह्यूमन की जो भी लाइफ है, उसका उल्लंघन ना हो पाए, यही आपका होता है बायोइथिक्स। इसकी कुछ हिस्ट्री थी, यानी किस प्रकार से इसकी स्टार्टिंग हुई, यानी पहले इतना जो है इसकी रिटर्न गाइडलाइन नहीं थी, फिर 19 सेंचुरी के बाद इसमें कुछ जो है रिटेन आपकी गाइडलाइन आ गई, और उसके बाद फिर प्रोग्राम को रखा गया। प्रोग्राम रखने के बाद 1916 में एक आपका ब्रेन डेड प्रोग्राम आया दोस्तों, उसमें भी ये बताया गया, और उसके बाद 1970 में इसमें जो है कुछ टर्म्स को ऐड किया गया। ये आपकी हिस्ट्री हो गई। फिर बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ बायोइथिक्स। बायोइथिक्स के प्रिंसिपल क्या हैं, तो देखिए द फोर मेन प्रिंसिपल ऑफ बायोइथिक्स आर, तो जो बायोइथिक्स है इसके फोर प्रिंसिपल हैं मेन आपके। तो भाई कौन कौन से प्रिंसिपल हैं, पहला आपका है रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी। तो दोस्तों यानी ऑटोनॉमी जो होते हैं उनका रिस्पेक्ट करना, यानी यदि किसी पेशेंट का कोई ट्रीटमेंट किया जा रहा है, और यदि डॉक्टर को उसके ट्रीटमेंट के लिए डिसीजन लेने जा रहा है, कोई भी डॉक्टर उसके ट्रीटमेंट के लिए डिसीजन लेने जा रहा है, तो उस डिसीजन को पहले पेशेंट को बताया जाएगा, और पेशेंट के डिसीजन की रिस्पेक्ट की जाएगी। अगर किसी भी यानी कोई पेशेंट है, उसका किसी भी प्रकार का कोई ट्रीटमेंट हो रहा है, और ट्रीटमेंट को पहले पेशेंट को बताया जाएगा कि आपका इस प्रकार का ऐसा ट्रीटमेंट होगा, आप एग्री हैं या नहीं एग्री हैं। दोस्तों जो पेशेंट का डिसीजन होगा उसका रिस्पेक्ट किया जाएगा, ये आपका बायोइथिक्स ने बताया है, ये इसका जो है पहला प्रिंसिपल है। दूसरा इसका बेनिफिशेंस। तो दोस्तों इसमें क्या बताया गया, इस प्रिंसिपल में ये बताया गया कि जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं उनको अपना वर्क पूरे इंटरेस्ट के साथ जो है करना है, और जो भी भाई रिसर्च कर रहे हैं उसको पूरे मन लगाकर करना है बेनिफिशेंस में। और नॉन आपका मेलिफिशेंस क्या होता है दोस्तों, जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं उनको ऐसे वर्क से बचना है जिससे पेशेंट को हार्म पहुंचे, यानी कोई भी ऐसा वर्क नहीं करना है जिससे पेशेंट को हार्म पहुंचे, यह इसका एक प्रिंसिपल था। और चौथा है इसका जस्टिक, यानी पेशेंट की जात पात और धन से ना देखते हुए पूरी ईमानदारी से हेल्थ केयर प्रोवाइडर को वर्क करना है, यानी ऐसा नहीं है कोई जात पात देख रहा है उसका ट्रीटमेंट नहीं कर रहा, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये आपके बायोइथिक्स के फोर प्रिंसिपल हैं, बहुत अच्छे प्रिंसिपल हैं, आप इनको याद रखेंगे और अच्छे से जो है इनको एग्ज़ाम में भी डिफाइन कर पाएंगे। फिर बात करते हैं ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ ICMRS दोस्तों, यानी आपका जो इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो दोस्तों आपको इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के बारे में शॉर्ट में पढ़ना है, तो इसमें क्या है, इसकी फुल फॉर्म होती है द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, और इस कमेटी की स्थापना जो है 1911 में की गई, 1911 में की गई, और ये मेडिकल रिसर्च में हाई लेवल की कमेटी होती है, जो भी मेडिकल लाइन है उसमें हाई लेवल की ये कमेटी होती है आपकी, होती है ICMR। इस कमेटी को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑफ इंडिया के अंडर में बनाया जाता है, ये जो आपकी कमेटी होती है। और उसके बाद यदि कोई बायोमेडिकल रिसर्च हो रही है और उसमें ह्यूमन भी पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ICMR ने कुछ गाइडलाइन को बनाया है जिनको फॉलो करना होता है। तो दोस्तों यानी ऐसा होता है, ये कमेटी क्यों बनाई गई, अगर किसी भी प्रकार की कोई यानी रिसर्च हो रही है और उसमें ह्यूमन इन्वॉल्व हो रहा है, तो उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा, क्या क्या उसके साथ किया जाएगा, किस प्रकार से उस पर रिसर्च की जाएगी, ये आपका ICMR का वर्क होता है, ये सब देखना, इसीलिए इस कमेटी को बनाया गया है। तो इसमें कुछ बातों को रखा गया है, जैसे पहला पॉइंट है इन्फॉर्म कंसेंट, यानी इन्फॉर्म कंसेंट क्या होता है, यदि किसी पर्सन पर कोई रिसर्च करना है तो उसका एग्रीमेंट होना अनिवार्य होता है, उसको पहले इन्फॉर्म करना होता है, फिर उसका एग्रीमेंट होना अनिवार्य होता है, बिना पर्सन की स्वीकृति के उस पर किसी प्रकार की कोई रिसर्च नहीं की जा सकती है, ये आपकी ICMR बताती है। और उसके बाद रिस्क बेनिफिट असेसमेंट, तो दोस्तों
यदि कोई रिसर्च ह्यूमन पर की जा रही है, यदि रिस्क कम है तभी रिसर्च को किया जाएगा, ऐसा नहीं है कि पर्सन की डेथ हो सकती है फिर भी उस पर रिसर्च की जा रही है, तो ऐसा नहीं करना है। ये आपका ICMR बताती है जो आपकी कमेटी को तैयार किया गया है। और उसके बाद प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंटली, जो आपकी कॉन्फिडेंटिलिटी होती है यानी जो भी रिसर्च में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी प्राइवेसी को ध्यान में रखा जाए, ये आपकी ICMR जो कमेटी बनाई गई है बायोइथिक्स के यानी चैप्टर वाले में आप पढ़ रहे हैं, तो दोस्तों इसने कुछ पॉइंट को इनको दिया है। तो यही आपकी कमेटी बनाई गई, इसने कुछ पॉइंट दिए हैं और इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये आप सब एग्ज़ाम में लिखेंगे और आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बाद अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।